नमस्कार, खबर एचपी में आपका स्वागत है। आप जानिएगा इस खबर में हिमाचल प्रदेश से जुड़े छोटे एवं बड़े खबरों को, तो बने रहे हमारे साथ। हम आपको रूबरू कराते हैं तमाम छोटे एवं बड़ी खबरों से। आज की पहली खबर, हिमाचल भाजपा, जयराम धूमल और कश्यप ने की 1,000 की माइक्रो डोनेशन। जी हाँ, डोनेशन का बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी 1,000 रुपये का दान दिया है। भाजपा ने शनिवार को लोअर बाजार शिमला में माइक्रो डोनेशन अभियान के तहत एक कार्यक्रम किया, जिसमें प्रदेश का मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसकी अध्यक्षता शिमला मंडल के महामंत्री गगन लखनपाल ने की। आज़ादी का अमृत महोत्सव, 10 विद्यार्थियों के पोस्ट कार्ड राष्ट्र स्तर के लिए चयनित। जी हाँ, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों की 4वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए पोस्ट कार्ड प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें विभिन्न जिलों से 10 विद्यार्थियों के पोस्ट कार्डों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया गया है। नई ऊर्जा नीति, हिमाचल में 2,00,000 करोड़ का होगा निवेश, 1,00,000 युवाओं मिलेगा रोजगार। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई ऊर्जा नीति को मंजूरी दी। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक प्रदेश में 10,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होगा। प्रदेश में 10,000 मेगावाट क्षमता की पंप स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में भी निवेश आकर्षित होगा। उपरोक्त क्षमता बढ़ोतरी के चलते राज्य में करीब 2,00,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। इसमें प्रदेश में करीब 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में मिलने वाले निःशुल्क विद्युत के विक्रय से लगभग 4,000 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक राजस्व भी प्राप्त होगा। सेना दिवस विशेष, देश का पहला परमवीर चक्र पाने का गौरव, हिमाचल के कांगड़ा के नाम। जी हां, मेजर हेम सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था, जबकि कारगिल युद्ध में दिल मांगे मोर का नारा देने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा का कांगड़ा से दूसरे ऐसे जवान थे जिन्हें कारगिल युद्ध में बहादुरी से दुश्मन को हराने और शहादत पाने पर परमवीर चक्र से नवाजा गया है। ताजा माइंस, 20 डिग्री तापमान में 16 जनवरी से होगी राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप। जी हाँ, MDM काजा मोहन दत्त शर्मा ने बताया कि तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा विशिष्ट अतिथि होंगी। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, चंडीगढ़, दिल्ली, ITBP, लद्दाख और लद्दाख की टीमें भाग ले रही है। काजा में पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी। NMMSF अब मनरेगा मजदूरों की नहीं लगेगी फर्जी हाजिरी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाले मजदूरों की अब फर्जी हाजिरी नहीं लग पाएगी। मनरेगा मजदूरों की अब मोबाइल ऐप के माध्यम से दिन में 2 बार हाजिरी लगेगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने MNS ऐप तैयार की है। नई खेल नीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड लाने पर मिलेंगे 3 करोड़, खिलाड़ी के घायल होने पर 1,00,000 का बीमा। जी हां, मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती नई खेल नीति 2021 को लागू करने को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत जहां प्रदेश में उच्च गुणवत्ता की खेल अधोसंरचना के विकास, रखरखाव और उपयोग पर विशेष बल मिलेगा, वहीं शैक्षणिक संस्थानों में खेलों को बढ़ाया मिलेगा। बड़ी उपलब्धि, CBRI शिमला ने आलू से बनाई जलेबी, 8 माह तक नहीं होगी खराब। CBRI के वैज्ञानिकों ने देश में पैदा होने वाले किसी किस्म का आलू इस्तेमाल कर जलेबी बनाने का तरीका ढूंढ निकाला है। बाजार में उपलब्ध मैदे की जलेबी ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखी जा सकती, इसे 24 घंटे के भीतर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। HRTC मुख्यालय की कार्रवाई, रात्रि सेवा में खटारा बस भेजने पर RM से किया जवाब तलब। शिमला पालमपुर रूट पर शिमला से रात 9 बजे रात्रि सेवा में खटारा बस भेजने को लेकर अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद HRTC प्रबंधन हरकत में आया है। HRTC मुख्यालय ने पालमपुर डिपो के RM से मामले की रिपोर्ट तलब की है। रात्रि रूट पर खराब शीशों वाली खटारा बस भेजने के मामले में लापरवाह अधिकारियों को सोमवार को नोटिस जारी होंगे। HRTC के महाप्रबंधक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पालमपुर डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तम सिंह से इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। RM से पूछा गया कि सर्दी के मौसम में पुराने बस रूट पर क्यों भेजी गई, ऐसी बस जिसके शीशे ही ठीक नहीं है, उसे नाइट रूट भेजने की लापरवाही में कौन कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं। दोस्तों, वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। COVID-19 उपायुक्त सोलन कृतिका कोरोना पॉजिटिव, कसौली से आई टेस्ट रिपोर्ट में खुलासा। जी हां, सोलोना जिला सोलन में शनिवार कोरोना के काफी मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी भी कोरोना पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से वह दफ्तर नहीं आ रही,
वह घर पर ही है। उपायुक्त सोलन का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया था, जिसे कसौली भेजा गया था, वहां उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।